योगी को किन गुणों का आश्रय करना चाहिए जिससे योग सिद्ध हो, यह इस मंत्र में उपदेश किया है। तम प्रत्नथीत्यस्य वत्सारः काश्यपा ऋषि विश्वे देवा देवताः निचरदार्षी जगती छन्दः निषादः स्वरः उपयामा गृहीता इत्यस्य पंक्तिश्छन्दः पंचमः स्वरः। ओम तम प्रत्नथा पूर्वथा विश्वाथे मथा ज्येष्ठा तातिम भरीषदगं स्वर्विदं प्रतीचीनं वृजनं दोहसे धुनीमाशुं जयन्तमनुयाशु वर्धसे उपयाम गृहीतोऽसि षण्डाय त्वेषाते योनिर्वीरतां पाया उपमृष्टः षण्डो देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणयन्त्वा नाधृष्टासि। हे योग विद्या की इच्छा करने वाले मनुष्य, जैसे शम दम आदि गुण युक्त योग साधक योग बल से अपने आत्म बल की उन्नति करता है और अविद्या को नष्ट करता है, ऐसी योग विद्या जैसे योगियों को प्राप्त होकर सुख पहुंचाती है, वैसे ही आप सब साधकों को यह योग विद्या आत्म बल और विद्या बल की उन्नति प्रदान करे। हे योगी, जो तू योग के अंगों का पालन करता है और नियमों का पालन करता है, तेरा यह योग युक्त स्वभाव अंततः आनंदमय कोश में प्रवेश का कारण बनता है। योग साधना से अविद्या आदि दोष नष्ट होते हैं। जो शांत गुण युक्त है, जो निरंतर योग क्रियाओं में रत है, वह अपने आत्म बल में वृद्धि करता है। जैसे योगी लोग महर्षि लोग अपने हृदय आकाश में स्थिर रहकर परमात्मा के आनंद के अनुकूल ही रहते हैं, उसी प्रकार वर्तमान में भी जो योगाभ्यास करते हैं, योग के नियमों का पालन करते हैं, वे भी उसी योग के उत्कर्ष तक पहुंचते हैं और अपने आत्म बल को परिपूर्ण करते हैं। जो योग बल की रक्षा करने वाले योगी लोग हैं, वे आप सभी साधकों को योग साधना में दृढ़ करें। जो पूर्ण वीरता के साथ और पूर्ण दृढ़ता के साथ योग में स्थित रहता है, ऐसे साधक को ही योग विद्या अत्यंत सुख देती है। उस योग का अनुष्ठान करने वाला योगी कैसा होता है, यह अगले मंत्र में उपदेश किया है।